तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया रहना, आज का नया दिन, नई शुरुआत। और हम आज निकल चुके हैं छोटा सा मीटअप करने के लिए हमारे ग्रुप के साथ। तो आगे हैं हमारे चिराग भाई और मैं अपनी सुल्तान के साथ जा रहा हूँ रिवर फ्रंट। फैजान भाई भी आ रहे हैं और अल्ताफ भाई आवे तो आवे, ऐसा है भाई सीन कुछ। तो जो भी तीन चार लोग मिलेंगे आज छोटी सी गेड़ी मारते बाइक से। और पता नहीं क्यों मेरा गोप्रो बार बार हैंग हो रहा है। फिर मारने का आएगा तू? देख क्या होता है भाई, इसको यार हर बार पेट्रोल 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 लगा कर लो ना मेरी जान। हाँ भाई चिराग भाई, क्यों यार पेट्रोल रख कर आओ ना बाइक में? हमारी सुल्तान की टंकी फुल है, अब भी फुल करा के घूमो यार। R15 40 का एवरेज दे देती है यार, टंकी फुल कराया करो। 800 रुपये में टंकी फुल हो जाता है मेरी जॉन। तो भाई मुझे पता नहीं, मैं ये बक बक कर रहा हूँ और वीडियो शूट होगा कि नहीं होगा। चाचा बड़े हैवी ड्राइवर है भाई, किसी को पड़ी नहीं है, बिना हेलमेट सब निकल रहे। इसको देखो, छोटी सी बच्ची है, पता नहीं लाइसेंस होगा कि नहीं। अपने आप मज़े में कॉल पर बात करे जा रही है। भाई मैं इतनी बकवास कर रहा हूँ, पर एक बार मैंने देखा कि मेरा भाई फुटेज मतलब कि नहीं आया हुआ है, डिलीट हो चुका है, फाइलें क्रैश हो रही है और मैं बक बक करे जा रहा हूँ। देखते हैं यार क्या होता है यार क्योंकि यार व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब चैनल भी चलानी है हमारे लिए। और मिले थे फैजान भाई को, सोचा है कि आज राइड भी करेंगे, थोड़ा डेर भी करेंगे, थोड़ा प्रैंक भी करेंगे, कुछ भी करते हैं ना। और भाई लोग बहुत हॉर्न मार रहे हैं, क्या दिमाग खराब कर रहे हो यार? ओ भाई कितना मस्त दिखता है ना पानी यहाँ से, साबरमती रिवर भाई, ब्यूटी है ब्यूटी। और चाचा हमको ही देखते हुए, ये चाचा चाचा हेलमेट लगा लो यार। अहमदाबाद में 50% लोग ही हेलमेट लगाते हैं ब्रो, बाकी लोग भाई पता नहीं क्यों हेलमेट नहीं लगाते, उनकी सेफ्टी के लिए ही है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं रिवर फ्रंट, और भाई अपनी सुल्तान रिवर फ्रंट पे कैसी दिख रही है यार? चिराग भाई कैसे दिख रही है अपनी सुल्तान? एक नंबर भाई, डील आ गया मेरा तो 2 लाख देके खरीद लो। अरे भाई हमारी ये ले जाओ V3 भाई, V3 भी बहुत बढ़िया है, पर इसमें क्या सेंसर बहुत लगे हुए V4 में, तो मुझे वही प्रॉब्लम है कि इसको बहुत छेड़छाड़ नहीं करवा सकते, या अपनी लॉन्ग राइड फिर फिनिश हो जाएगी। बीच में हीट मारनी शुरू हो गई थी, आपको मालूम है 5 महीना लगा उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और कहीं और वायरिंग की प्रॉब्लम आ गई भाई। तो और हाँ चिराग भाई आज सुबह उन्होंने गए थे चिरानिया यामा में सर्विस करवाने के लिए, पर कैसी लगी सर्विस भाई? सर्विस भी एक नंबर लगी, और LD भाई की जो पहचान है बहुत बढ़िया भाई। हमको तो लगा था कि हमको बाइक 1-2 बजे मिलेगी, पर LD भाई आ गए थोड़ी देर में, तो हमको 1 घंटा शायद, एक डेढ़ घंटा 1 घंटे में बाइक हमने करवा दी थी कम्प्लीट। हमारी बाइक 4 नंबर पे थी, डायरेक्ट पहले नंबर पे आ गए, इतना थोड़ा थोड़ा पहचान लगा देते, क्योंकि हमको क्या, हम राइडर्स है, हमको निकलना रहता है राइड पे इंस्टेंट कभी भी, तो हम ऐसी जगह मतलब चूज करते जाने के लिए कि भाई हमको जल्दी प्रायोरिटी मिले, कि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो उसमें से एक है चिरानिया यामा, हर बार मैं तारीफ करता हूँ, काम भी बढ़िया रहता है, और भाई मजा आ गया। और अभी तक हमारे फैजान भाई आए नहीं है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, LD भाई है ना, जब LD भाई हम यामा की जो इवेंट थी संडे को, कौन सी तारीख थी वो, कोई भी संडे था, तो उस टाइम पे जब LD भाई ने एंट्री मारी थी तो सबके होश उड़ गए थे, सब बाइक को ही देख रहे थे। फिर जब LD भाई हमको सब मिलने आए ऐसे, तो थोड़ा LD भाई थोड़ा पावर था ऐसे, सब बोल रहे थे यार ये तो बहुत एटीट्यूड दिखाता है, तो हमको भी लगा यार ये बंदे में एटीट्यूड है। फिर हमको थोड़ा वो हो गया कि ये बंदा अच्छा नहीं है। फिर हम जब इवेंट में गए तब LD भाई ने वो स्टंट किया है, वो वाले नहीं किए थे, हाँ बस जो इवेंट में रखे हुए थे भाई, कसम से बंदे में एटीट्यूड इसका बात का होना ही चाहिए। फिर सबका वो दिल आ गया LD भाई पे, पर नहीं हमारे में एटीट्यूड है थोड़ा सा भी नहीं, काम के हिसाब से एटीट्यूड होना चाहिए,
इतना नहीं, उससे भी और ज्यादा होना चाहिए, पर हम रखते नहीं है, गरीब आदमी। नहीं भाई कसम से मेरा भी मन तब वो हो गया था कि नहीं यार इतना एटीट्यूड तो नहीं होना चाहिए। मेरे को देख के लगता है कि साला एटीट्यूड वाला आदमी है, गुस्से वाला होगा, पर नहीं भाई हम ऐसे नहीं है, बहुत प्यारे आदमी है हम। फिर भाई जब इन्होंने स्टंट किया, जो स्टंट ने इवेंट में पार्ट लिया था, जो इवेंट रखी थी वो किया था भाई, दिल खुश हो गया। फिर राइड पे तो हम गए थे एलडी भाई के साथ। हाँ, राइड पर मजा आया। राइड पर कैसा लगा फर्स्ट राइड हमारे साथ? बहुत मजा आया और बहुत सपोर्ट करते हैं हमको भाई। देखो हमें बाइकर कम्युनिटी आगे ले जानी है, तो ऐसे मतलब राइडर्स को पता नहीं है कि क्या करना है, कुछ करना है, तो हम ऐसे राइडर को सपोर्ट करते हैं। मतलब चिराग भाई भी आलिस मतलब राइडिंग कम्युनिटी में घुसे हैं, तो उनको भी पहले पता नहीं था चिराग भाई को कि चिराग भाई मालूम था राइडिंग ग्रुप वगैरह सब ऐसे आपको? नहीं ऐसा मालूम नहीं था, अगर वो बड़े बड़े लोगों का मालूम था, जो पूरा वो राइडिंग किट चाहिए, उसमें ग्लोव्स या हेलमेट वगैरह सब होना चाहिए। पर मतलब कि बड़े बड़े यूट्यूबर को देखा हुआ है पहले कि इस तरह से होना चाहिए, पर हमारे साथ उन्होंने राइड किया, मतलब हम ऐसे नहीं कि राइडिंग जैकेट लिया, बस बेसिक सामान होना चाहिए सेफ्टी का आपके पास, फिर तुम राइड चालू करो धीरे धीरे, आपको मजा आता है राइडिंग करने का, फिर आप राइडिंग जैकेट लो, राइडिंग ग्लव्स लो अच्छे वाले, पर हाँ एक हेलमेट तो बढ़िया वाला रखना ही पड़ेगा। हेलमेट तो बढ़िया वाला रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पहली सेफ्टी है। हाँ बाकी सब टूटा फूटा चलेगा, पर सिर में लग गया बात खत्म, पैसा आजम आपकी जिंदगी खलास, या आप अपने माता पिता पर बोझ बन जाओगे, चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, पर बोझ बन गए तो हालत खराब होने वाली। हाँ भाई, पर अभी तक फैजान भाई नहीं आए। फैजान भाई अभी भी नहीं आए। फैजान भाई ने हमको स्कीम दी थी भाई। हाँ पता नहीं अब कहाँ पे रह गए फैजान भाई, कॉल तो उठा नहीं रहे हमारा। फैजान भाई भाभी को छोड़ने गए, इसलिए हमको 4 बजे का इधर बिठा के रखा है। क्या बोले फैजान भाई, ऐसा करने का फैजान भाई, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रहे हमको। हमारी नई आईडिया है यूट्यूब पे, न्यू चैनल है हमारी बबली 372। हाँ भाई मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जाके सब्सक्राइब करना भाई, नई चैनल खोल रहा है, सपोर्ट करना, और जो जो लोग भी यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं, राइड करना चाहते हैं, हमारे साथ आ जाओ, नई चैनल भी खुलाएंगे, कंटेंट भी देंगे। कंटेंट तो ये पड़ा, पहला कंटेंट तो आपके सामने सुल्तान, और अपने फैजान भाई की बाइक भी, और बहुत सारा कंटेंट भी देंगे आपको। आ जाओ और राइड करो हमारे ग्रुप में। हाँ हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो फैजान भाई को जाके मैसेज करो, उनको नंबर छोड़ दो, हम आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो ठीक है, अभी भी फैजान भाई नहीं है, उनकी राह देखते हैं, आके फिर बात करते हैं। तो आ रहे हैं फैजान भाई। आहा, अबे अबे मारेगा क्या ओ चकली, ये कब का बोल रहे थे फैजान भाई गोली दे दी, आखिर में एक घंटे बाद तो आई गए गोली देने के बाद। क्या बोलते हो फैजान भाई, तुम तो भाभी को छोड़ने गए थे ना? अभी इसकी रात को पिटाई होने वाली है फोन पे, अच्छे से पिटाई करना भाभी, देखो आप ब्लॉग देख रहे हो तो, और वो चाबुक लेके मारना इसको, वो घोड़े को मारने के लिए आती ना वो चाबुक से मारना इसको। फैजान भाई मार खाओगे? मार पड़ेगी, अब तो फोन पे फोन आ रहे हो। ओ यूके 07 नहीं गला। अपनी बाइक कैसी लग रही फैजान भाई? जोरदार लग रही है, जोरदार लग रही है, 2 लाख दे के ले लो ना। मेरे को वैसे भी सुपर बाइक लानी है यार, वही ले जाओ, ये ले लो 1.5 लाख में, 1.5 लाख में 150 रुपया देगा। 1.5 लाख में, 1.5 लाख में नई 220 निकलवाना है, ये मन ले। लड़का आ रहा है उसको परेशान करते हैं, मैं गुजराती में बात करूंगा। कई गाड़ी हारी कई है, अब बोल कौन सी अच्छी, ये वाली की, ये वाली बढ़िया ना, ये खटारा गाड़ी है ना, ये खटारा है ना, बबलू, दिस इज नॉट BMW, दिस इज BM बबलू। कौन सा BM बबलू? इसका मालिक है ना, ये तेरे को ले जानी है, इसका मालिक है ना, आया बात को वहां है, इसका मालिक कालिया है, मालूम है वो पिक्चर में नहीं आता, वो कालिया, वो वाला कालिया है, ये 16 पिक्चर में नहीं आता, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा कालिया, वो वाला कालिया इस गाड़ी का मालिक मालूम है तुमको? बाइक ले जानी है, घर पे ले जाना, वो कालिया ढूंढता फिरेगा।
फैजान भाई लेट आए पर हमारे लिए यहाँ पे नाश्ता लेके आए। देखो ये नाश्ता, ये भूंगले भूंगले, ये यहाँ बर्गर, पर भी टेस्ट करके देखते हैं बर्गर और क्या लेके, पिज्जा पिज्जा वगैरह, और ये पता नहीं ये कुछ लेके आए यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं भूंगरा भूंगरा कुछ लेके आए, अभी खाते चाट चाट चाट। अरे कहना क्या चाहते हो, कैसा लगा मेरा मजाक? कुछ भी लेके आए अपने, खाते खत्म करते भाई, भाई लेके आए पीसी तो देने वाली नहीं हम फैजान भाई को। तो गाइस अभी हम चिराग भाई को एक डेर देने वाले हैं। चिराग भाई तैयार हो? तो चिराग भाई को क्या करना है पता है? ये मतलब जो पिलर है, ये पिलर से ये पिलर, वो हेलमेट लगा के चिल्लाते हुए जाना, ओ ओ करके चिल्लाना है, ऐसे कूदते हुए दौड़ना है। फैजान भाई कर पाएंगे भाई? चिराग भाई करोगे ना तुम? तो इसका तो भाई बात ही जाने दो भाई, ढेर करना है तो जिगरा चाहिए भाई, जिगरा। अभी देखो चिराग भाई रेडी है, कैसे चिल्लाओगे तुम? जोर से चिल्लाना है पर सबको कहां से कहां? वो पिलर से ये पिलर तक चिल्लाते हो, बीच में दौड़ना है, बीच में दौड़ना है। हम तो भाई भाई इतना जिगरा और आलिश्वर करके निकल जाओ। आलिश्वर आलिश्वर कर पाओगे? यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, या हाउ द जोश, यस सर। भाई जोर से चिल्लाना भाई, देखो अभी ये ढेर करने वाले भाई, जोर से चिल्लाना। पागल खाने को ले जाने आएंगे गाड़ी, जल्दी आ रही है, बोले खुला सांड निकला है भाई रोड पे। तो भाई ये लोग हमको मिलने आए हुए थे, हमने स्टोरी डाली हुई थी इंस्टाग्राम पे, तो ये दोनों भाई आए मिलने के लिए। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, भाई कैसी लगी अपनी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाथ सेकने बैठ गया? ठंडी बहुत है, रिवर फ्रंट के अंदर भी भाई ऐसे लोग ड्राइविंग करते हैं। रॉन्ग साइड जाना है भाई को, देखो घूम के ये पूरा ट्रैफिक कर रहा है यहाँ पर। गाड़ी की नंबर दिखाता हूँ मैं आपको, नंबर नहीं दिख रहा है, आ जाएगा बताओ भाई। पहले घूमना था तो वहां से भी घूम सकता था, अब भाई यहाँ रॉन्ग साइड घूम रहा है। देखो इसमें कितने लोगों की जान जा सकती है बताओ, बाइक वालों की उनकी, और फिर बोलेंगे कि भाई राइडरों की गलती होती है, बाइक चलाने वालों की गलती होती है, ये बाइक को जाना ही रॉन्ग साइड में। भाई ये पागल वागल था क्या? भाई यहाँ से यूटर्न मार के, यूटर्न भी नहीं, रॉन्ग साइड में गया है वो। फैजान भाई इस बात पे क्या बोलना चाहोगे? इस बात पे बोलना चाहूँगा कि हम यहाँ के हमारे ट्रैफिक पुलिस को बोलना चाहेंगे कि जगह जगह कैमरे लगाओ और देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। तो लग गए कैमरे तो लग गए भाई, भाई कैमरे तो लगे हुए पर किसी को डर नहीं है ये भाई, ये रोड पे यूटर्न मारना मतलब भाई किसी की जान भी जा सकती है। सही बात है, क्या बोलते हो भाई लोग? सही बात है ना? यही दरखास्त है हमारी, वजीर आला जो हमारे हैं उनसे यही दरखास्त है। वजीर आला, वजीर आला से मेरी दरखास्त है एक धोती भेज दो हमारे बच्चों को। यहाँ पानी नहीं है, फैजान की गांव के लिए पानी नहीं है भाई। पर फैजान भाई ये चीज गलत तो थी, गलत तो थी, आज कोई बाइक वाला करता ना तो लोग गालियां देते, उसको कोई कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो तेरी वजह से हुआ काली है, वजह से हुआ। चलो फैजान भाई मिलते हैं, गुड बाय ब्रो, तुम्हारी पानी की बोतल लेके जियो। चलो भाई मिलते हैं, कालिया अच्छे से जाना घर पे, क्योंकि तू रात में किसी को दिखेगा नहीं। चलो फैजान भाई।
ये काली को बोलना पड़ता है क्योंकि रात में ये दिखता नहीं है, खाली वो हंसता है ना तभी मालूम पड़ता है कि आदमी है। वो अपने भैजन भाई ने भाई लाइटिंग करके रखी गाड़ी के अंदर, देखो ये वाली लाइटिंग करके रखी है क्योंकि वो रात को किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए चार चार लाइटें लगाई है कि लोग उसको देख पाए कालिए को। और फैजान भाई तुमने अपना ढेर नहीं किया पर चिराग भाई ने किया है, तुम्हारे अंदर कितना ढेर है वो बताओ ना तो। अरे तुमने मेरे को कुछ दिया ढेर, मैंने तुमको दिया था, तुम पूरा करते तो मैं करता ना, तुम्हारी हवा टाइट हो गई ये बात है पहली तो। और फैजान भाई ने हमारा अच्छा नाश्ता कराया बढ़िया से, सबसे बेस्ट नाश्ता था आज तक का हमारा, हमें बहुत बढ़िया लगा। अभी यहाँ से फैजान भाई सीधा जाएंगे वहाँ जहाँ से नाश्ता लेकर आए थे और उसको अच्छे अच्छे दो तीन बोल देंगे, क्या बोलते हो दोगे ना? नहीं बताना। ए, गाली नहीं, अपना यार पारिवारिक ब्लॉग होता है ऐसे गालियाँ नहीं देने की, पर तू है ना अंधेरे में आराम से जियो बस में तेरे को यार क्योंकि वो चार चार फॉग लाइट बंद होने के बाद आदमी को पता नहीं चलेगा कि तू आ रहा है, तो थोड़ा हंसते हुए जाना तो थोड़ी लाइट रहे। एक बात बोलना चाहता हूँ सब्सक्राइबरों को, हाँ एलडी भाई की वीडियो में आपने एलडी भाई को देखा है बरोबर, आपने कैमरे में देखा उसके बाहर देखा। चलो ओके बाबा टाई टाई।